जिला रिलीफ कमेटी के प्रभारी नोडल अधिकारी श्री बाबा तारा कुटिया पहुंचे हैं। श्री बाबा तारा कुटिया में चल रहे लंगर सेवा का निरीक्षण यहां करने के लिए वो पहुंचे हैं। डीईटीसी अतीन्द्र सिंह तक्षक हैं नोडल अधिकारी, वो पहुंचे हैं। कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा से भोजन वितरण पर चर्चा भी इस दौरान उन्होंने की है। विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर सिरसा में यह लंगर सेवा चल रही है और रोज सुबह शाम जो है वो बड़ी तादाद में लगभग 20,000 के आसपास या कई बार 20,000 से ज्यादा भी पैकेट्स जो है वो जरूरतमंद लोगों तक बना हुआ पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है। अमित तिवाड़ी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल गौरव, आज जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर है, नोडल अधिकारी उन्हें बनाया गया है। सिरसा में रिलीफ कमेटी की का इंचार्ज ओवरऑल इंचार्ज भी है और उन्होंने आज जो निरीक्षण किया और उसमें उन्होंने जहां सेवादारों से बातचीत की और पूरा तमाम जो रसोई घर है उसका निरीक्षण किया और साथ ही साथ जो कुटिया के मुख्य सेवक है जिनके संयोजन में यह सेवा का कार्य चल रहा है उनके साथ गोविंद कांडा के साथ पूरी बातचीत की और पूरा संतोष इस बात के लिए जताया कि जो पूरी सैनिटाइज करके पूरी व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण जो भोजन है वो बनाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान चेक की और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी अपनी तरफ से भी कहा कि थर्मल स्कैनिंग की भी एक व्यवस्था सभी सेवादारों के लिए करवाई जानी चाहिए। उन्होंने इस कार्य के लिए सिरसा की जो तारा बाबा कुटिया है उसकी सराहना की और साथ ही साथ कहा कि ये बड़ी सेवा का कार्य है और जो लंगर जो वितरित किया जा रहा है उससे प्रशासन को काफी राहत मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार हर रोज कुटिया में सेवादार जुटे हैं और वहां तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की और सैनिटाइजेशन की चीजों का ख्याल रखते हुए हर रोज सिरसा में कोई भूखा न सोए इस उम्मीद के साथ, इस कोशिश के साथ लग